हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो समतल कुंडलियों के बीच अनन्य प्रेरकत्व। तो समतल कुंडलियों के बीच, तो हम दो कुंडलियां लेते हैं। अभी हमने इससे पहले एक पिछली क्लासेस में कुछ डेरिवेशन किए थे, उसमें से एक डेरिवेशन था कि यदि हम एक इस प्रकार से एक कुंडली लें, तो इस कुंडली के केंद्र पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहें, तो हम जानते हैं कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है बी बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन टू आर। यह हमारा क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक की इसकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या को मान लेते हैं हमें आर वन है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा आर वन। अब हम मान लेते हैं ये एक प्राथमिक कुंडली है, और इस कुंडली में हम कह सकते हैं कि एक सेल भी लगा हुआ होगा, इस प्रकार से एक सेल लगा हुआ है, एक धारा नियंत्रक भी होगा, साथ में हम कह सकते हैं एक इस प्रकार से कुंजी भी होगी। तो मान लेते हैं पहली जो हमारी ये समतल कुंडली है, इस पे फेरों की संख्या कैपिटल एन है, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन वन है, तो इस सूत्र में क्या लिख लेंगे, यहां पर एन वन लिख लेंगे। और इसमें जो धारा बह रही है, ये धारा की दिशा यहां होगी, धन से शुरू होगी ऋण की तरफ होगी, इस धारा का मान मान लेते हैं आई वन है, तो इस वाले सूत्र में हमारा क्या आ जाएगा, आई वन आ जाएगा। और इसके कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बी वन होगा। अब हम यहां से दूसरी कुंडली की कल्पना करते हैं कि हम कहते हैं दोनों कुंडलियों समान अक्ष पर रखी हुई है, अक्ष मतलब इन दोनों का केंद्र क्या है, समान है, तो हमने ये दूसरी कुंडली बना ली मान लेते हैं। इस दूसरी कुंडली की हमने त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या ले ली मान लेते हैं आर टू है। अब देखिए क्या होगा, जब इस प्रकार से ये धारा बह रही है, तो इस प्रकार से यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा और यहां से बाहर की तरफ आएगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह अंदर वाली जो द्वितीय कुंडली है हमारी उससे भी संबद्ध रहेगा, बद्ध रहेगा। तो मान लेते हैं दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या एन टू है, और उससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है मान लेते हैं फाइव टू है, तो हम लिखते हैं माना द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली यानी कि अंदर वाली कुंडली, ये बाहर वाली कुंडली है पहली, और ये दूसरी वाली अंदर वाली कुंडली क्या है, दूसरी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एन टू है, तथा दूसरी कुंडली से जो बद्ध फ्लक्स है, तथा द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स हम कहते हैं फाइ टू है, हमने फाइ टू ले लिया। तो अब हम कहते हैं दूसरी कुंडली से जो बद्ध फ्लक्स होगा वो किससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं अतः जो फाइ टू होगा वह बराबर होगा बी वन गुणा बी वन, तो दूसरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र जो दूसरी से जा रहा है, तो बी वन गुणा साथ में आ जाएगा द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल बी इंटू ए, इसे हम चाहे तो ए टू लिख सकते हैं। तो बी वन का मान तो हमारा यहां से आ जाएगा, और ए टू का मान क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो द्वितीय कुंडली का क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे फाइ टू बराबर बी वन का मान म्यू नॉट इंटू एन वन गुणा आई वन बटे टू आर वन, यह आ गया, और गुणा ए टू का मान, ए टू का मान आ गया पाई
आर स्क्वायर, क्योंकि द्वितीय कुंडली की जो त्रिज्या है वो आर टू है, इसलिए आ गया पाई आर टू स्क्वायर। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, फाइव टू का मान निकल गया। लेकिन हम तो निकालना चाह रहे हैं अनन्य प्रेरण गुणांक, पहली और दूसरी कुंडली का अनन्य प्रेरण गुणांक निकालना चाह रहे हैं। तो हम लिखते हैं, चूंकि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र होता है m इज इक्वल टू एन टू गुणा फाइव टू अपॉन आई वन, इसके बराबर होता है। तो अब यदि हम फाइव टू का मान मान लेते हैं, यह समीकरण है हमारी एक, फाइव टू का मान समीकरण एक से रखें तो लिखते हैं, समीकरण एक से फाइव टू का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा m बराबर एन टू, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, फाइव टू का मान आ गया म्यू टू म्यू नॉट एन वन आई वन, लिखेंगे म्यू नॉट एन वन आई वन अपॉन टू आर वन अपॉन टू आर वन मल्टीप्लाई पाई आर टू स्क्वायर, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो हम आगे करेंगे, इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एम बराबर, ये आ जाएगा क्रम से लिखें तो ये आ गया म्यू नॉट इंटू एन वन एन टू एन वन एन टू, साथ में आ गया आई वन, आई वन भी आ गया, साथ में हमारा है पाई इंटू आर टू स्क्वायर अपॉन आ गया टू आर वन। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या m इज इक्वल टू म्यू नोट, और चाहे तो पाई को आगे लिख सकते हैं, पाई इंटू एन वन एन टू आई वन इंटू आर टू स्क्वायर अपॉन किसके बराबर होगा, टू आर वन टू आर वन। तो इस प्रकार से हम कोई दो हमारे पास यदि समतल कुंडलियां हैं तो उनके मध्य उत्पन्न अनन्य प्रेरण के व्यंजक को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो समकक्ष परिनलिकाओं का अनन्य प्रेरण गुणांक। परिनलिकाएं, हम समझते हैं परिनलिकाएं क्या होती है। यदि कोई एक कार्डबोर्ड या इंसुलेटर की कोई शीट ली जाए, जैसा हमने पहले बताया था, उस पर किसी चालक तार के यदि खूब सारे फेरे लपेट दिए जाएं और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हमारी परिनलिका कहलाती है। तो इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। मान लेते हैं हमने एक ये परिनलिका ली, इस परिनलिका पर इस प्रकार से फेरे लगे हुए थे, तो हम कहते हैं इस परिनलिका के साथ ही हमने एक और परिनलिका ले ली, इस परिनलिका इन दोनों की अक्षें समान हैं। अक्ष आप समझते हैं कि परिनलिका के मध्य बिंदु से जो जाने वाली रेखा होती है, ये डॉटेड लाइन है, ये इसकी अक्ष कहलाती है। तो जब हम कहते हैं दो समकक्ष परिनलिकाओं का अनन्य प्रेरण गुणांक, तो इसका अर्थ है ये दोनों के दोनों परिनलिकाएं समकक्ष हैं। तो मान लेते हैं अंदर वाली जो हमारी परिनलिका है, इसकी जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम मान लेते हैं यह है आर वन, और इसमें लिख भी लेते हैं, माना पहली परिनलिका की त्रिज्या बराबर है आर वन, और इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर हमने ले ली एन वन, और हम कह सकते हैं कुल फेरों की संख्या भी यदि हम ले लें, मान लेते हैं कुल फेरे जो हैं पहली परिनलिका में, पहली परिनलिका में वह बराबर हमने किसके ले लिए, एन वन के ले लिए। अब हम दूसरी परिनलिका ले रहे हैं, तो दूसरी परिनलिका हमने कहा यह बाहर वाली है, और इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो हम कहते हैं मान लेते हैं दूसरी परिनलिका जो ये वाली है, इस परिनलिका की जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं
आर टू है, तो लिखते हैं इसी प्रकार दूसरी परिनलिका के लिए यही सब चीजें कहें तो हम कहेंगे त्रिज्या हो गई आर टू, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान लेते हैं एन टू, और कुल फेरों की संख्या क्या है एन टू हमने ले ली। इसी प्रकार दूसरी परिनलिका के लिए जो वेरिएबल है त्रिज्या आर टू, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन टू, और हम कहें कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन टू है, और मान लेते हैं दोनों की जो लंबाइयां हैं वह हम एल ले लेते हैं। माना दोनों की लंबाइयां बराबर हमने कितनी ले ली एल ले ली। तो अब हम कहते हैं कि मान लेते हैं बाहर वाली परिनलिका पर हम क्या कह रहे हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, माना आर टू परिनलिका पर आई टू धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इस बाहर वाली परिनलिका पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसकी चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, और धारा में परिवर्तन के कारण वह चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि पहली परिनलिका भीतर वाली परिनलिका से बद्ध होगा तो हम कहेंगे पहली वाली परिनलिका या बीच वाली परिनलिका के जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन होगा। क्यों होगा परिवर्तन हम कह रहे हैं, क्योंकि बाहर वाली परिनलिका में आई धारा बह रही है, और आई धारा बहने से उसके चारों तरफ क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वह चुंबकीय क्षेत्र भीतर वाली परिनलिका से भी बद्ध है। तो लिखते हैं माना भीतर की परिनलिका से बद्ध फ्लक्स, बद्ध फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करें क्योंकि अंदर वाली है इसको कहते हैं फाइव वन, तो हम कहेंगे कि इस फाइव वन का मान कितना होगा तो हम लिखेंगे अतः फाइव वन बराबर हमारा होगा, क्योंकि फाइव बराबर किसके होता है बी इंटू ए के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा बी इंटू ए के बराबर आ जाएगा। तो बी किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, बाहर वाली परिनलिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो लिखेंगे चूंकि ये हमारा हो जाएगा बी टू इंटू ए के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि बी टू यानी कि बीच वाली परिनलिका को यदि मैं भूल जाऊं तो जो बाहर वाली परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बी टू, आप जानते हैं वो म्यू नोट इंटू एन आई के बराबर होता है। बी टू बाहर वाली परिनलिका के कारण उत्पन्न क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र है, एन टू बाहर वाली परिनलिका का कुल फेरों की संख्या है जो कि एन टू के बराबर है, और आई बाहर वाली परिनलिका पर बहने वाली धारा का मान है जो कि मान लेते हैं आई टू के बराबर है। और इस वाले सूत्र में फाइव वन बराबर बी टू इंटू ए, इस पर जो हम लिखेंगे क्षेत्रफल लेंगे वह क्षेत्रफल बाहर वाला न लेकर के भीतर वाला लेंगे, इसलिए लेंगे भीतर वाला क्षेत्रफल क्योंकि जो फ्लक्स निकलेगा वो जो बाहर की ओर निकल जाएगा उस फ्लक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस भीतर वाले फ्लक्स को ही लेना है। तो हम कहते हैं कि फाइव वन बराबर बी टू इंटू ए वन यदि ले लें तो लिखते हैं समीकरण, यह मान लेते हैं समीकरण एक है, लिखते हैं समीकरण एक में बी टू का मान रखने पर, जो मान रखेंगे तो फाइव वन बराबर आ जाएगा, बी टू का मान क्या आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई एन टू गुणा आई टू, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा ए वन आ जाएगा, और ए वन का मान क्या हो जाएगा यह क्षेत्रफल है तो इसको हम परिनलिका का जो हमारे एकांक परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लिख लेंगे पाई आर वन स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हम यदि मान निकालें तो फाइव वन का मान तो हमारा इतना आ गया, तो हम लिखेंगे इसलिए अन्योन्य प्रेरण, हम जानते हैं अनोन्य प्रेरण का सूत्र होता है एम इज इक्वल टू एन इंटू फाइव अपॉन आई के बराबर होता है, और यह हमारे किस कुंडली का है
कुंडली का अनोन्य प्रेरण निकाल रहे हैं। एन क्या है? पहली कुंडली में कुल फेरों की संख्या, पहली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। आई क्या है? दूसरी वाली कुंडली यानी कि आई टू कुंडली में बहने वाली धारा का मान है। तो यदि फाइव वन का यह मान यहां पर रख दिया जाए तो हम लिखते हैं, यह है समीकरण दो, तो लिखते हैं समीकरण दो से किसका मान, फाइव वन का मान रखने पर। जब रखेंगे तो क्या होगा, आप देखिए क्या होगा, एम वन बराबर आ जाएगा, एम वन बराबर एन वन, तो ऐसा कैसे रहेगा, फाइव वन का मान हमारा आ गया म्यू नॉट एन टू आई टू, म्यू नॉट एन टू आई टू मल्टीप्लाई पाई आर वन स्क्वायर गुणा पाई आर वन स्क्वायर और अपॉन क्या आ गया, आई टू, तो साथ में क्या आ गया, आई टू आ गया। तो आई टू से आई टू कट जाएगा, आई टू से आई टू कट गया। तो पहली कुंडली का जो अनोन्य प्रेरण गुणांक होगा एम वन, वह बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू एन टू और साथ में आ जाएगा पाई आर वन स्क्वायर। यह हमारा पहली कुंडली का अनोन्य प्रेरण गुणांक हो जाएगा। अब यदि हम यह जो हमने स्थिति ली है इसमें यह माना है कि दूसरी कुंडली जो बाहर की कुंडली है इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इसके भीतर इसके अक्ष पर, वह अंदर वाली कुंडली के सभी स्थानों पर एक समान है, कहीं पर न तो कम है न ज्यादा है, उस स्थिति को लेकर के हमारा जो अनन्य प्रेरण निकला पहली कुंडली का यानी कि भीतर वाली कुंडली का, या भीतर वाली कुंडली को हमने कहा यह पहली कुंडली है और ये जो बाहर वाली है यह क्या है, दूसरी कुंडली है। तो भीतर वाली कुंडली का जो अनन्य प्रेरण गुणांक हुआ होगा म्यू नॉट एन वन एन टू इंटू पाई आर वन स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम क्या लेते हैं, इसकी विपरीत स्थिति ले ले, हम दूसरी स्थिति लेते हैं, सेकेंड केस। हम कहते हैं यदि अब की बार हमने क्या कहा कि अंदर वाली कुंडली में आई वन धारा बह रही है जिसके कारण बाहर वाली कुंडली में एक प्रेरित या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स जुड़ गया बाहर वाली कुंडली में, तब द्वितीय कुंडली का अनोन्य प्रेरण गुणांक हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हम लिखते हैं यदि पहली कुंडली में आई वन धारा प्रवाहित हो तो इसके कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो द्वितीय कुंडली हमारी कौन सी है, यह वाली, तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, फाइव टू के बराबर होगा। और फाइव टू बराबर किसके होगा, जो हमारा फाइव टू होगा वह बराबर बी इंटू फिर से ए के बराबर होगा। अब की बार बी कौन सा आएगा, क्योंकि पहली कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण, पहली कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है आई वन, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, बी वन आ जाएगा। हम लिखेंगे चूंकि बी वन का मान हम जानते हैं, बी वन बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर होता है, तो चूंकि पहली कुंडली में है तो यहां एन वन का मान भी वन आ जाएगा और आई वन का मान भी वन ही आ जाएगा। तो बी वन का तो हमारा मान हमारा निकल गया, साथ में हम निकालना चाहें ए, ए बराबर हो जाएगा। अब देखिए पहली कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा, जो फ्लक्स निकलेगा वो इस वाली लाइन से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हम जो क्षेत्रफल लेंगे वो पहली कुंडली का ही क्षेत्रफल लेंगे पाई आर वन स्क्वायर। यह दोनों मान इस समीकरण में यदि रखें, इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यह पहली थी यह दूसरी थी, इस समीकरण को मान लेते हैं यह है तीन, यह वाली समीकरण है हमारी चार। तो अब मान रखें समीकरण चार में, तो लिखते हैं समीकरण चार में मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइ टू बराबर आ जाएगा बी वन का मान म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू आई वन और साथ में ए का मान
पाई आर वन स्क्वायर। ये तो हमारे फाई टू का मान निकल के आ गया। तो हम कहेंगे अतः अनोन्य प्रेरणा, अन्योन्य प्रेरणा, अनोन्य प्रेरणा का हमें सूत्र पता है। हमारा जो सूत्र था वो यही था, m इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो ये निकल जाएगा। अब की बार यहां m1 था क्योंकि द्वितीय कुंडली की बात कर रहे हैं, तो अनोन्य प्रेरण दूसरी कुंडली का लेंगे बराबर। n1 वो पहली कुंडली का निकालेंगे तो उसी का आएगा, द्वितीय कुंडली का निकालेंगे तो ये n2, और साथ में आएगा फाई टू। बट इसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो पहली कुंडली में बहने वाली धारा के कारण है। पहली कुंडली में तो अंदर वाली कुंडली में बहने वाली धारा के कारण है, तो साथ में क्या आ जाएगा, लिख लेंगे फाई। अब एम टू में यदि फाई टू का मान हम समीकरण पांच से रखें तो लिखते हैं समीकरण पांच से फाई टू का मान रखने पर, जब रखेंगे तो यह आ जाएगा एम टू बराबर एन टू अपॉन आई वन, तो हमने अलग लिख लिया, और फाई टू का मान आ गया म्यू नॉट एन वन आई वन इंटू पाई आर वन स्क्वायर। आई वन से आई वन कट गया तो निकल गया एम टू बराबर, ये निकल जाएगा म्यू नॉट एन वन एन टू इंटू पाई आर वन स्क्वायर। यह हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक कुंडली का अनन्य प्रेरण गुणांक कहलाएगा। कई स्थानों पर इसको M21 से भी प्रदर्शित किया गया है, इसको M12 से भी प्रदर्शित किया गया है। तो कहने का अर्थ बस यही है, M1 का मतलब है पहली कुंडली का अनन्य प्रेरण गुणांक। आप कहीं तो इसे दूसरी कुंडली के सापेक्ष भी बोल सकते हैं, यह है दूसरी कुंडली का अनन्य प्रेरण गुणांक पहली कुंडली के सापेक्ष, ऐसे भी कह सकते हैं आप इसे। तो आप देखिए समीकरण जो ये वाली हमारी तीन और इस वाली समीकरण को हम मान लें छह, तो समीकरण तीन व छह से आप यदि इन दोनों की तुलना करें तो आप देखेंगे M1 बराबर किसके है, M2 के। अर्थात इन दोनों कुंडलियों को जब समक्ष रखा जाएगा परिनलिकाओं को, तो पहली कुंडली का अनन्य प्रेरण गुणांक बराबर होगा दूसरी कुंडली के अनन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने अनन्य प्रेरण गुणांक को समझा कि किस प्रकार पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में एक जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल परिणाम स्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और फिर इसी कंडीशन को लेकर के हमने एक हम कह सकते हैं समतल कुंडली ली जिनकी अक्ष समाक्ष थी, दो ऐसी कुंडलियां जी जिनकी समतल कुंडलियां जिनकी अक्ष समान थी, वहां पर हमने अनन्य प्रेरण का व्यंजक याद किया। फिर उसके बाद हमने परिनलिका ली, दो परिनलिका ली जो समाक्ष हैं, फिर उनमें भी पहली नलिका का अनन्य प्रेरण गुणांक और दूसरी परिनलिका का अनन्य प्रेरण गुणांक हमने प्राप्त किया। इन दोनों का हमने देखा लास्ट में परिणाम कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं। तो इस प्रकार से हम इन डेरिवेशंस को कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज जितना भी हमने पढ़ाया वो आपको जरूर समझ में आएगा। यदि फिर भी आपके कहीं डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसको कि हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें उसको कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।